Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो दोस्तों, हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। जिस तरह मैं आप लोगों को कह रहा था कि जिस तरह पीकॉक एग देते रहेंगे, मैं आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू बताता रहूँगा कि एग की केयर किस तरह करनी है और आपने इससे ज़्यादा ब्रीड किस तरह लेनी है। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं, मेरे एक प्यारे दोस्त ने मुझे मैसेज किया था, कमेंट्स किया था, उन्होंने कहा था कि मेरे पास पीकॉक है जो पीकॉक को ब्रीडिंग तो कर रहा है, एग दे रहा है, पर वो दरवाजे के पास, जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एग पड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी मेरे पास भी इन्होंने इसी जगह पे एग दिए दरवाजे के पास। हो ठीक है, अब उनका दरवाज़ा मेरे ख्याल से अंदर की तरफ से खुलता है या बाहर एग दिए, ठीक है, चाहे कहीं भी दिए एग, ठीक है। अब आपने क्या करना है और क्या क्या तरीकाकार है जहाँ पर वो आपका बर्ड ब्रीडिंग वहीं पे दे, तो उसका तरीकाकार यही है जिस तरह आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अलहदा से भूसा सा रखा हुआ है, ठीक है, उधर मैंने एग दो तीन छोड़ दिए थे, ठीक है, और यहाँ पर वो एग दे रहा था, फीमेल दे रही थी, सॉरी, और कुछ यहाँ पर एग देने लग गई थी फीमेल। तो मैं क्या करता था, अब मुझे पता था ये तो ऑलरेडी एक रास्ता है, ठीक है, इधर से वो ठीक ठाक डिस्टर्ब होगी, और लाजमी बात है अब यहाँ से हम लोग गुजरते हैं, यहाँ पर वो एग किस तरह दे सकती है, अगर दे भी दिया एग हो, ठीक है, तो यहाँ पर वो डिस्टर्ब रहेगी, तो जिसकी वजह से उस जगह पे मैं एग रख देता था। अब ये होता है कि कभी कभार वो यहाँ पर अपनी पुरानी जगह पे एग दे देती है, ठीक है, जिस तरह इसने एग दिया हुआ है एक, सही है, और कभी कभार वहाँ पर दे देती है एग। पर इसका तरीकाकार यही है कि आपने यहाँ से एग ज़्यादा नहीं हटाने, ठीक है, जिस तरह ये वाला पुराना एग मैंने यहीं पे रखा हुआ है, अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर नहीं हटाने हैं और वहाँ पर एग पड़े रहने देने, उधर भी आप रख दें जहाँ पर आप चाहते हैं कि ये यहाँ पर एग दे, ठीक है, वहाँ पर आप एक जगह पे एग जमा करते रहे, और आप यकीन माने इसी तरीके की वजह से यहाँ पर भी उसने एग देना स्टार्ट कर दिए। पहले यहाँ पर तीन थे एग, फिर चार हो गए, फिर पाँच हो गए, फिर आस्ता आस्ता कंटिन्यू बढ़ते गए। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का यही सवाल होता है कि पीकॉक कितने एग देती है, ठीक है, वो आपके पीकॉक पे डिपेंड करता है। कुछ पीकॉक 12 भी दे सकते, 8 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते, 20 भी दे सकते, 22 भी दे सकते हैं, पर उसका तरीकाकार यही है। मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में सिर्फ इस पीकॉक के एग के बारे में बताऊंगा कि क्या तरीकाकार है जिससे आप लोग पीकॉक से ज़्यादा एग ले सके, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि ये जिस तरह एग दे दिए, अब जिस तरह मेरे पास ज़्यादा एग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके साथ 9 एग है, ठीक है, इस तरह इसने पहले भी एग दे दिए थे, ठीक है, तो वो 7 एग थे, ठीक, जिससे मैंने 6 एग, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो 6 एग मैंने क्या किए थे। यहाँ पर एक एग, यहाँ पर 7 एग थे, एक एग मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था, ठीक है, और जो एग थे 6 एग थे वो मैंने निकाल के, अब मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैंने 6 एग को इस चिकन के नीचे रख दिए हैं, मुर्गी के नीचे, ठीक है, ये मैं अपने दोस्त से लेकर आया था, फ्रेंड से। अब मैंने चिकन के नीचे एग रख दिए, ठीक है, और इंशाल्लाह एक हफ़्ता हो चुका है, 7 दिन हो चुके हैं, अब मैं देखता हूँ कि ये कितने दिनों के बाद एग से चिक निकालती है, क्योंकि जो इसके जो चिकन के जो एग के बच्चे, चिकन जो अपने एग में बैठती है तो वो 20 दिन के बाद तो या 21-22 के दिन के बाद निकाल देती है बच्चे, क्योंकि इसका एग का साइज़ भी बड़ा है और एग थोड़े से मोटे साइज़ की है, ठीक है, उसका जो कवर है, जो जिल्ट है, वो भी मोटे साइज़ की है। तो मुझे यहाँ पर बात करते हुए थोड़ा मसला हो रहा है, क्योंकि जो फ़िशर है उन्होंने काफ़ी आवाज़ें निकाली हुई है, और माशाल्लाह मेरे पास फ़िशर की तादाद काफ़ी अच्छी हो गई है, बच्चे निकल आए हैं बॉक्स से और दोबारा से मीटिंग स्टार्ट हो गई है, इनके बारे में मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे से दोस्त ने ये क्वेश्चन पूछा था कि इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने ये पूछा था कि इनके लिए ये लकड़ी का केज कैसा है, तो मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है, पर मैं अभी भी आपको बता दूं लकड़ी का केज बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, आप देख सकते काफ़ी इन्होंने डैमेज किया हुआ है लकड़ी कुतर कुतर के, ठीक है, कुतर, क्योंकि इनकी जो फितरत होती है वो कुतरना ही होता है, और इसने काफ़ी कुतरी हुई है और बॉक्स भी भरा हुआ है, इस ज़्यादातर मैंने इसमें
इसकी नेक्स्टिंग के लिए अलहदा से भी मैंने वीडियो बनाई है क्या इस्तेमाल करना, फिर भी इन्होंने कुतर के ये लकड़ी का जितना भी हिस्सा है आप देख सकते हैं केज काफ़ी ख़राब कर दिया, और इन्होंने कुतर कुतर के ये केज अपने बॉक्सों में ले कर दी हुई है। ठीक है, लकड़ी का केज बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, हो सके तो आयरन का केज बनाए। अब यहाँ पर दोबारा मैं आता हूँ पिको की तरफ, और अब आप देख सकते हैं फिर उसके बाद इसने 6 एग वहाँ पर, 6 नहीं 7 एग मैंने उसके नीचे रख दिए। ठीक है, और 7 एग के बाद तो फीमेल ने 4 एग दिए, वो एग आप लोगों के सामने है। ठीक है, 6 एग थे, फिर जब इसने 4 एग दे दिए तो वो जो यहाँ पर एक और जो एग रह गया था वो मैंने वापस ही चिकन के नीचे रख दिया। अब इंशाल्लाह मैं एक और चिकन देखूँगा, ठीक है, मुर्गी देखूँगा, अगर कोई मुर्गी मिल गई तो ठीक है, वरना पीकॉक के नीचे ही देख लूँगा आगे, जिस तरह कंटिन्यू मुझे पता लगता रहेगा कि पीकॉक अगर वो पीकॉक ने एग नहीं दिए और वो जल्दी कुड़क हो जाएंगी, ठीक है, हीट पे आ जाएंगी, कुड़क हो जाएंगी, तो फिर मैं इसके नीचे रख दूँगा ये एग या चिकन के नीचे। तो ये तरीका कार है इनसे होर एग लेने का, और आपको ये भी तरीका पता लग गया है कि अगर वो एग दे दे तो आपने किस तरह इसके एग हटाने हैं। ये नहीं है कि आपने फौरी तौर पे सारे, अगर आप सारे एग हटा देंगे तो उसकी वजह से फीमेल डर जाएंगी और वो समझेंगी कि कोई जानवर है जो ये एग खा लेता है, तो वो अपना ये जगह छोड़ के शायद हो सकता है वो बाहर के एरिए में भी एग दे दें। ठीक है, तो आपने यही तरीका करना है, और पहले कोशिश करनी है कि जब ये एग पे आ जाए तो इसको थोड़ा रिलैक्स करना है, कि इसको माइंड में यही रखना है कि इसके एग को तंग करने वाला कोई बंदा नहीं होगा जहाँ पर ये ब्लीडिंग स्टार्ट कर रही है। और आपने मुझसे पूछा था कि पर किस तरह काटते हैं पीकॉक के, तो उसकी भी वीडियो मैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, और इस वीडियो में बता देता हूँ कि अगर आपने पीकॉक के एग काटने हैं, ठीक है, तो उसकी वो वाली कलमें आप काटें पीकॉक की, जिस तरह आप दे सकते हैं, मैं आपको ये बजरी के पड़ों से हिसाब लगा रही, जिस तरह बजरी के ये जो आप देख सकते हैं जो उड़ने वाले जो पड़ हैं, जो मोटे साइज़ के पड़ होते हैं पीकॉक के पास, मतलब कॉकटेल के पास, जिस तरह इसके ये मोटे वाले साइज़ के पड़ है, ये आप पीकॉक के भी ये वाले साइज़ के पड़ काट दें जो थिक होते, जो मोटे होते हैं, जिससे ये उड़ नहीं पाते, और पड़ लाजमी आपने काटने हैं, उसके बिना वो आदि नहीं होते। और मैं उसके बाद मैंने जब से पड़ काटे हैं और जब इनके न्यू पड़ आ चुके हैं, आदि हो चुके हैं, तो मैंने दोबारा इनके पड़ नहीं काटे। अब ये उड़ भी सकते हैं, थोड़ी बहुत फ्लाई भी कर सकते हैं, और फिलहाल अभी वो ग्राउंड में है। चलो मैं आप लोगों को उधर लेकर जाता हूँ। ये देख सकते हैं ये फीमेल बैठी हुई है ग्राउंड में, ये सामने हमारे घर के सामने ही है एरिया, ठीक है, यहाँ पर फीमेल ये वाली बैठी हुई है, और जो मेल है फीमेल है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, इनके पार आए हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मेल एक किधर आया हुआ है, ठीक है, इसके पर आप देख सकते हैं जो नीचे खाकी रंग के जो पर है खाकी रंग के, ठीक है, ये मैंने कलियाँ काटी थी, और जो ऊपर जो जो मिक्स कलर है, जो डार्क खाकी कलर है, वो मैंने सिर्फ काटा, ऊपर जो मिक्स कलर जो आ रहा है जिसमें ब्लैक और खाकी कलर, वो मैंने बिल्कुल नहीं काटे थे। ठीक है, अब ये कलियाँ आ चुकी है, और एक फीमेल ये है और मेल उसका उधर है, ठीक है, जब घूमते फिरते हैं, शुक्र कोई तंग करने वाला नहीं है। पर मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि जब पीकॉक आप बाहर खोल के छोड़ते हैं तो आप इस तरह किया करें कि इनका ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर जो अमूमन लोग ऐसे होते हैं, स्टूपिड लोग होते हैं, वो इनके पर बैक साइड से काट देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पीकॉक के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर आप लोगों को पीकॉक के, ये देख सकते हैं आप किस तरह इनके पर काटे हुए हैं लोगों ने, ठीक है, क्योंकि खूबसूरत होते हैं तो लोग कहते हैं कि ये कम काट के रख देते हैं, ये है वो है, काफ़ी इनके डैमेज कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इंशाल्लाह मज़ीद जिस तरह इनके चिक निकलेंगे या इनके बारे में जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और मुझे अपने बारे में बताएं और कमेंट्स करके लाजमी बताएं। ठीक है, मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा, और मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर सेंड करता रहूं। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.